मोहम्मद आमिर को लेके आई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के मोहम्मद आमिर को लेके रमेश राजा ने दे दिया है बड़ा स्टेटमेंट। हाल ही में अपडेट के मुताबिक मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में कई सालों के बाद कमबैक कर रहे हैं और मोहम्मद आमिर पर्सनली T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी कराया गया है। लेकिन मोहम्मद आमिर को लेके रमेश राजा ने दे दिया है बड़ा स्टेटमेंट। बात करें रमेश राजा की तो रमेश राजा ने तौर पे कह दिया है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में फिर से नहीं लाना चाहिए था और मोहम्मद आमिर को लेकर यहां तक कि रमेश राजा ने कह दिया कि मोहम्मद आमिर अगर मेरा बेटा होता तो मोहम्मद आमिर को मैं अपने जायदाद से प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता और मोहम्मद आमिर का कोई भी हक नहीं बनता था। मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके का कदम उठाया था टीम में रहते हुए जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर को 5 साल का बैन भी झेलना पड़ा था, लेकिन जब मोहम्मद आमिर कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान के लिए, तो रमेश राजा को मोहम्मद आमिर के लेके इतना बड़ा स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कि मोहम्मद आमिर पर जब इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो क्या मोहम्मद आमिर के परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ने वाला? कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर पे भी रमेश राजा के इस बात का बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। मोहम्मद आमिर को लेकर रमेश राजा को इतना बड़ा स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।